बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति गर्म है और लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टियां तैयारी कर रही है। टीएमसी भी ममता बनर्जी को पीएम चेहरे के रूप में उभार रही है। उसी पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल के इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट कमरुज्जमा कमर ने कहा कि टीएमसी ख्याली पुलाव पका रही है। टीएमसी के पास उतने सांसद ही नहीं हैं जिससे ममता बनर्जी पीएम बन सके। सामने पंचायत चुनाव है तो हर पार्टी मतलब पूरी तरह से तैयार होकर फील्ड में उतर गए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अधिकार पंचायत में निर्वाचन का कांग्रेस पार्टी ने ही दिया और इसको और ज़ोरदार तरीके से बनाया स्वर्गीय राजीव गांधी, जिसमें 50% महिलाओं को सुरक्षित सीट की गारंटी मिला। अब पश्चिम बंगाल में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें हमको नहीं लगता है कि फेयर इलेक्शन होगा, क्योंकि अगर ममता दीदी का 11 साल का अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटें तो लगता है कि वो सीट चाहती हैं, वोट नहीं चाहती। वो अपना संख्या बढ़ाना चाहती हैं, लोगों के हाथ में उसका जो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं देना चाहते। बीजेपी के लोग तो बोल रहे हैं कि इसमें केंद्रीय बल देना चाहिए, क्योंकि टीएमसी के लोग हमेशा ही मतलब वोट को काटना और वोट लूटना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए केंद्रीय बल का? एक्चुअली देखिए, ये स्टेट इलेक्शन जो कमिश्नर है वो कराता है, उसके अंडर में ये मामला है कि किस फोर्स को लगाएगा। जहाँ तक बीजेपी और टीएमसी का मामला है, ये दोनों का आप सुनती होंगी नूरा कुश्ती, वो फिक्स रहता है पहले से कि आज की बाजी कौन मारेगा, कल कौन बाजी मारेगा। तो ये दोनों पार्टी का एक नूरा कुश्ती वाला फिक्स गेम है, इनकी बात पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। टीएमसी का क्या कंपटीटर बीजेपी टफ कंपटीटर है आपके नज़र में? आप क्या? बिल्कुल नहीं, पश्चिम बंगाल की जनता सांप्रदायिक शक्ति को बर्दाश्त नहीं करती है। यहाँ की ज़मीन जो है वो सेकुलर ज़मीन है और ये एक दिन में नहीं हुआ है, आज़ादी के पहले से ही जितना आज़ादी का स्ट्रगल हिंदू मुसलमान मिल करके बंगाल में किया, इतना कोहेसिव स्ट्रगल आपको दूसरे राज्य में नहीं मिलेगा, ये इतिहास कहता है। और इसके पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सीआर दास, राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दो कवियों में एक रविन्द्रनाथ ठाकुर, दूसरा नजरुल इस्लाम, इन तमाम लोगों का कंट्रीब्यूशन है। उसके कारण से पश्चिम बंगाल का जो आबोहवा है कुदरती तौर पर ये सेकुलर आबोहवा है। यहाँ कॉम्युनल कार्ड खेलने से कोई फ़ायदा नहीं होता और बीजेपी कॉम्युनल कार्ड खेल करके देखा है। कहा कि पंचायत चुनाव में हम लोग 70% वोट लेंगे। देखिए, जो भी पार्टी आती है वो कभी भी नहीं कहेगा कि हम हारेंगे या कम सीट लेंगे। बीजेपी एक स्टंट वाली पार्टी है, हमेशा स्टंट करती है, पैसा खर्चा करती है, लेकिन हमको लगता है कि पंचायत इलेक्शन शायद दीदी के नेतृत्व में फेयर नहीं होगा। और गुजरात में हाल फिलहाल में जो बीजेपी ने इतना जीत हासिल किया, तो आपको क्या लगता है कि ये लोगों का रुझान है या ये रुझान नहीं है? एक्चुअली क्या है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मोदी जी एक साल से उसी पर काम कर रहे थे, उन तमाम प्रोजेक्ट को वहाँ ले गए, जिसमें टाटा का बड़ा प्रोजेक्ट है, रिलायंस का बड़ा प्रोजेक्ट जो दूसरे जगह जाना था वहाँ चला गया, अदानी का प्रोजेक्ट वहाँ चला गया। तो उससे ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी जब तक है तो यहाँ प्रोजेक्ट आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कमेगा, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था। दूसरा फैक्टर यह था कांग्रेस का ख़राब रिजल्ट होने का कि वोट कटवा आ गया आम आदमी का, क्योंकि उसका जो रूट है वो अन्ना हजारे का रूट है नागपुर। तो वो वोट बांटने का कोशिश करता है ताकि कांग्रेस को नुकसान हो। और थर्ड जो फैक्टर हुआ कि गांधी फैमिली से, चाहे वो सोनिया जी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, इन तीनों में से कोई इलेक्शन कैंपेन में वहाँ नहीं गए, जिससे एक ख़राब मैसेज गया।
राहुल गांधी हाल फिलहाल में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जहां पर हर जगह के लोग, हर आदमी के लोग उनसे कदम से कदम मिला रहे। आपको क्या लगता है कांग्रेस का ये असर क्या 2024 में कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा? देखिए, बुनियादी तौर पर राहुल गांधी ने महसूस किया कि देश को बांटने का कोशिश की जा रही है, देश के दो भाइयों के दिलों को बांट रहा है, गांव को बांटा जा रहा है, शहर को बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, खान पान के नाम पर, कल्चर के नाम पर। तो उन्होंने महसूस किया कि अब ज़रूरत है कि देश को इकट्ठा रखा जाए, तो इसलिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो का नारा दिया। और आप देखेंगे कि वहाँ कांग्रेस का झंडा नहीं है, नेशनल फ्लैग है। और जाहिर सी बात है कि अब देश के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि सांप्रदायिक शक्ति जिस तरह से सर उठा रही है, उसको कहीं ना कहीं जवाब मिलना चाहिए। तो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म से बड़ा प्लेटफॉर्म अभी देश में कोई नहीं है, उसका लीडर है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं उसमें देश का जो सांप्रदायिक शक्ति है वो अपने आप को कमज़ोर होती नज़र आ रही है, और इसका इफ़ेक्ट पूरे देश में पड़ेगा। और जहाँ जहाँ से वो गुज़र रहे हैं, लाखों की तादाद में, सभी कांग्रेस के लोग नहीं हैं, एकदम नीचे स्तर का है, आर्टिस्ट है, सिनेमा आर्टिस्ट है, साहित्य जगत के लोग हैं, स्पोर्ट्स के हैं, मैंने हर वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग उसमें आ रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि आज़ादी के पहले जिस तरह से कांग्रेस ने एक क्लेरियन कॉल दिया था ब्रिटिश लोगों को हटाने के लिए, तो राजीव गांधी ने अपना यह क्लेरियन कॉल दिया है कि सांप्रदायिक शक्ति को देश से भगाना है। और 2024 आने वाला है, आपको क्या लगता है कि दीदी दिल्ली जा पाएगी? क्योंकि टीएमसी के अभी एक ही मोटिव है कि दिल्ली के मोदी का गद्दी लेना, दीदी के मोदी के गद्दी में बैठ पाएंगे? देखिए, दीदी ने कोशिश किया कांग्रेस मुक्त बंगाल करने का, मोदी ने कोशिश किया कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, लेकिन आप पूरे देश में देखिए कि सिर्फ दो राज्य में बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में है, बाकी कहीं भी नहीं है। कहीं कहीं तो एक है और सरकार में है। तो ऐसा लगता है कि दीदी जो सोच रही हैं ये ख्याली पुलाव है, यानी उनका ये सपना है। गोवा गई, वही हाल हुआ, त्रिपुरा बगल में है वहाँ गई, वही हाल हुआ, और बंगाल में सिर्फ 42 सीट है। ममता का एक्सेप्टेबिलिटी बंगाल के बाहर कहीं नहीं है, तो 42 सीट में 42 सीट तो उनको नहीं आएगा। तो इतना कम सीट लेकर के कोई प्रधानमंत्री का ख्वाब देखे तो ये ख्वाब ही होगा, ज़मीनी सतह पर इसका कोई असर नहीं होगा।